नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज बोल मुंबई बोल में आज हम बात करेंगे जिस तरह से भारतवर्ष में महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन तृतीयपंथी समाज हमेशा अपने हक के लिए संघर्ष करता रहा है। ऐसे में अब बीएमसी और प्रशासन ने एक कदम बढ़कर तृतीयपंथियों के लिए विशेष शौचालय बनाने की बात कही है। ऐसे में तमाम तृतीयपंथी समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन देवानंद सिंह से चाहेंगे कि इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि जो तृतीयपंथी समाज के लोग हैं उनको किन किन जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के अलावा कई और समस्याएं हैं जिसको लेकर ये लोग दो चार रोज होते हैं। ऐसे में जानेंगे सबसे पहले आपसे कि जिस तरह से बीएमसी प्रशासन ने अब जो है तृतीयपंथी समाज के लिए विशेष शौचालय बनाने की बात कही है, क्या कहेंगे बीएमसी के इस फैसले को? सबसे पहले तो बीएमसी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और उस पर ध्यान देने बोलूँगी कि ये शौचालय मेन मुद्दा नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटी हमें चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में है, शिक्षा के बारे में है, रोज़गार के बारे में। आप देखते होंगे कि लोकल ट्रेन के अंदर जाएं या मेल ट्रेन के अंदर में जाएंगे, वो वहाँ पे भी हमको मर्द और औरतों के साथ में ही रहना पड़ता है, वहाँ पे कोई हमको फैसिलिटी नहीं मिलती है। आज ये मलार मालोनी की बात है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे किन्नर रहते हैं। मुंबई में एक अच्छी खासी तादाद में हमारे मालोनी के अंदर किन्नर रहते हैं, तो वहाँ ये समस्या ज़्यादा रही होंगी, इसलिए वहाँ की नगर सेविका दक्षा पटेल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने उनकी सुनी, वहाँ के लोगों को उस चीज़ से तकलीफ़ होती होगी, जिस चीज़ से हमें तकलीफ़ है उसको भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे कि हॉस्पिटल, वहाँ फॉर्म लेकर के खड़ा होने के लिए हमें बहुत तकलीफ़ होती है। आधार कार्ड, उस तरह से एक फैसिलिटी हमें कार्ड पर ही दिया जाए, ताकि हम किन्नर जास्ती पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हम थोड़े अनपढ़ टाइप के भी होते हैं और कुछ शर्माते भी है, उस तरह से हमें एक पर्सनली कार्ड दिया जाए किन्नर तृतीयपंथी का। और सबसे पहले बात तो किन्नर का चयन किया जाए, लोग जास्ती नकली किन्नरों से परेशान हैं, असली किन्नरों का सामना जजमानों से नहीं हो पाता है, नकली किन्नरों का सामना होता है, तो लोग उस तरह से हमको सम्मान देते हैं या रिएक्ट करते हैं। असली किन्नर, उससे आप राय लीजिए, मशवरा लीजिए, उससे क्या तकलीफ़ है, हमारे बड़े बड़े गुरु लोग हैं, एक बार उससे तस्करा किया जाए। इस तरह से बात की जाए तो सुलभ शौचालय में महिलाएं पुरुषों के लिए, साथ ही दिव्यांगों के लिए शौचालय होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए यानी तृतीयपंथियों के लिए शौचालय नहीं है। ऐसे में अब एक बार बीएमसी प्रशासन ने ये कदम उठाया है कि उनके लिए विशेष शौचालय बनाए जाएंगे। आपसे जानेंगे जिस तरह से अगर मूलभूत सुविधाओं के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं होती है तृतीयपंथी समाज के लोग को। हमारे तो सबसे पहले तो समाज अपना ले, हमको अपना समझे, और हमारे को सब जगह में हमको जगह मिले, हॉस्पिटल में हमारे को अलग से बेड रहे, अलग से सुरक्षा रहे, और हमारे लिए घर के लिए व्यवस्था कर दे, हम अनाथ हैं, हमारे घर का कोई व्यवस्था नहीं है, और हॉस्पिटल में, ट्रेन में हमारे लिए थोड़ा सा जगह मिले खड़ा होने के लिए, क्योंकि हमारे को ट्रेन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और हॉस्पिटल में बस 4 से 6 सीट हमारे लिए बुक रहे, रिजर्वेशन रहे ट्रेन के अंदर में, ताकि हमारे जो किन्नर यहाँ शहर से बाहर आने जाने वाले हैं उनको तकलीफ ना हो। इस तरह से अगर ये बात की जाए विशेष शौचालय से, क्या लगता है आप लोगों को सुविधाएं मिलेंगी? मिलेगी, सरकार चाहेगी तो मिल जाएगी, सुविधाएं बहुत हैं, करे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, घर है, रोड पे जाओ छेड़ते हैं कोई भी, वो सब बदतमीजी ना हो, कानून में सुधार आए, यही सब चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, फिर हम अपने तरफ कोशिश करते हैं, शौचालय में भी प्रॉब्लम होती है, अंदर से बोलेंगे, ये करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भी परेशान करता है, यही सब चाहिए, और क्या, सरकार से यही अभिता कि अच्छा से काम करे, किन्नरों पे ध्यान फटाफट दे, बस। तृतीयपंथी समाज के लोग हमेशा अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं और करता आ रहा है। ऐसे में अब बीएमसी प्रशासन के इस कदम को लेकर कितना सराहनीय मानती हैं कि बीएमसी प्रशासन जो है अब एक बार फिर आप लोगों की तरफ ध्यान दिया है और जो है विशेष शौचालय बनाएगा? सबसे पहला बात, को देश को आज़ाद होकर 70 साल हो गया है, 70 साल के बाद हमें आज सिर्फ शौचालय ही दिया जा रहा है, इतना दिन तक किसी ने हम पे कुछ नहीं किया है, आप इतिहास खोल के देख लीजिए, किसी किन्नर को आज तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिले, हमें राशन कार्ड से वंचित रखा जाता है, हमें बैंक से वंचित रखा जाता है, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, इतनी फैसिलिटी हमने, ऐसा नहीं कि स्कीम नहीं है, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, लोग हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो भेदभाव
इस भेदभाव से छुटकारा किन्नरों को मिल जाए। अपनी समस्याओं को लेकर आप हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की थी, थावरचंद गहलोत जी से, हमारे किन्नर ग्रुप के जो संस्था के हैं उन्होंने मेन मिला, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, बाकी सारी बातें उन पर काम चल रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में आप लोगों को सुविधाएं मिलेंगी जो मांग आपने रखी है? हमने बहुत सारे मांग रखा है, उन पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी को हमने अपना प्रस्ताव दिया है कि ये फैसिलिटी हमें चाहिए। बीच में किन्नरों के ऊपर में एक कानून भी आया हुआ था, उसका हम लोग ने विरोध किया, फिर उसमें संशोधन के लिए गया हुआ है, अभी देखिए उसमें क्या होता है। हमारे किन्नरों ने उसमें अपना विचार रखा है, हमारी किन्नर कम्युनिटी जो ऑल इंडिया कम्युनिटी है उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है, आगे देखते हैं। मांग को लेकर लगातार अपनी समस्याओं को लेकर ये संघर्ष कर रहे हैं और मांग भी करते आ रहे हैं, ऐसे में बीएमसी के इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? नहीं, जो भी क्या लगता है जो सुलभ शौचालय आप लोगों के लिए विशेष बनाया जाएगा उससे आप लोगों को राहत मिलेगी, आप लोगों को सुविधा? जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि एक हमारे लिए अलग होगा कि मेल या फीमेल के लिए हम लोग सोचते हैं तो बड़ा हमारे लिए भी कोई सोचना पड़ेगा ना कि हम लोग को एक पर्सनल टॉयलेट चाहिए ही चाहिए, इसी वजह से अच्छी बात है हमारे लिए टॉयलेट बनाए गए। तो इस तरह से बात की जाए, जैसे आपने कहा मेल और फीमेल दिव्यांग के लिए होता है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं था, अब जो है बीएमसी शुरुआत कर रही, ऐसे में कितनी समस्याएं रोज, अगर बात की जाए मूलभूत सुविधाओं के अलावा क्या क्या समस्याएं होती हैं जब आप समाज में निकलते हो, बाहर निकलते हो घर से, तो किन किन हालातों का सामना करना पड़ता है? पब्लिक की नज़रों से फेस लड़ना ही पड़ता है कि लोगों की तरीके अलग होती है, देखने की नज़रिया अलग होती है, उस बेस पर हम लोग सब देख दाख के एक पर्दा डाल के हम निकलते हैं हमारे काम धंधे पे, रोजी रोजगार पे। बट हम लोग तो यही रिस्पेक्ट चाहते थे कि लोग हमको अच्छी तरीके से देखें, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग भी एक नागरिक है, प्लीज़ हम लोग को रिस्पेक्ट मिले, और हम लोग जो टॉयलेट की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए हम लोग को प्लीज़ हम हेल्प चाहते हैं। और क्या क्या मांग है आप लोगों की? वही टॉयलेट का और घर का, घर चाहिए, ट्रेन का, हॉस्पिटल, हर एक चीज़ का हम लोग जहाँ सुविधा चाहिए, जैसे नॉर्मल पब्लिक रहते वैसे हर को हमको भी सपोर्ट चाहिए, नॉर्मल पब्लिक की तरह इनको भी सपोर्ट चाहिए, इनको भी सुविधाएं चाहिए। आपसे जानेंगे कि जिस तरह से बीएमसी ने अब आप लोगों की तरफ एक कदम बढ़ाया है, सुलभ शौचालय में विशेष शौचालय बनाने की बात कही जा रही है, किस तरह का कदम देखती हैं प्रशासन का? देखते हैं क्या होएगा, अच्छी सुविधा मिलेगी सरकार बहुत सकते हम लोग। जब अगर बात की जाए अभी टॉयलेट की, ऐसे में मेल फीमेल का टॉयलेट होता है, दिव्यांग का होता है, आप लोगों का नहीं होता, ऐसे में कितनी दिक्कत होती है? हाँ होती है, पब्लिक के हम लोग से अलग नज़र से देखते हैं, मेल फीमेल में जाने के लिए हम लोग भी सोचते किधर जाओ उधर जाओ कि उधर जाओ। जिस तरह से अगर बात की जाए तो सुविधाओं को लेकर ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अब प्रशासन के इस कदम को सराह रहे हैं कि एक बार कहीं ना कहीं प्रशासन ने इनकी तरफ ध्यान दिया है। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से लगातार हमने देखा है कई बार जो है किन्नर पकड़े जाते हैं, जो मर्द होते हैं वो भी किन्नर रहते हैं, ऐसे में क्या उनके रहते हुए समस्याएं होती हैं? हमारी जो मेन तकलीफ है, हमने आज अगस्त क्रांति मैदान पर हमने मोर्चा भी निकाला था, उस टाइम में हमने मांग भी की थी कि महाराष्ट्र में 3 साल हो गई थी उस टाइम में गवर्नमेंट सरकार को, फिर भी हमारे लिए किन्नर बोर्ड नहीं बना, हमने नकली किन्नरों के लिए भी बहुत अच्छी खासी तादाद में हमने रोड पे उतरा, गवर्नमेंट उसके बारे में ही कुछ सुनी। सबसे अगर पीड़े वाली बात अगर कहीं पे आती है, हम एक किन्नर को अगर कोई नकली किन्नर समझ ले तो हमें ख़राब लगता है, तो वो हमको नकली किन्नरों से ही बचना है। सरकार को सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप नकली किन्नरों पे थोड़ा सा रोक लगाए, आधार कार्ड के थ्रू असली किन्नरों की पहचान हो, उसको मूलभूत सुविधाएं मिले, ये सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। नकली किन्नरों की बात की जाए तो नकली किन्नर कई बार हमने ऐसा भी देखा है, किन्नर समाज के लोग ट्रेनों में सफ़र कर रहे यात्रियों के साथ मारपीट भी करते हैं, कई तरह की ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं, उन किन्नरों को क्या कहेंगे कि अगर जो स्वेच्छा से दे ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती पे भी होते हैं? पहला बात, जो हिंदुस्तान के अंदर में ओरिजिनल किन्नर हैं सिर्फ वो रहे, नकली किन्नर हट जाए तो आपको ये ट्रेन में मांगते हुए, ये सिग्नल में मांगते हुए, ये रेड लाइट या तो फिर सेक्स वर्कर जो करते हैं रात के टाइम में वो जो करते हुए, वो अगर असली किन्नर से सिर्फ रह जाए तो ये आपको नहीं दिखेंगे। इसमें बहुत सारे नकली है, बहुत सारी गैंगें चलती हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार है, इसमें गिरोह है, ये सब नकली किन्नरों का भी एक गिरोह होता है।
बिल्कुल गिरोह है, क्योंकि आज हर तरफ गिरोह की जो है कहीं ना कहीं जो है, जहाँ जिस तरीके से नकली की बात की जाए तो अगर 10 असली हैं तो उसमें 2-4 नकली जरूर रहते हैं, और जिस तरीके से इन लोगों की समस्याएं हैं और जी सर 2 असली हैं ना तो उसमें 10 नकली है इस युग में, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। खास करके मुंबई जो बड़े शहर हैं यहाँ बेरोजगार लोग बहुत ऐसे हैं, आपने देखा होगा, आपका दिल बोलता होगा कि हाँ ये नकली है, फिर भी आपकी ऐसी भावना ही रहती है कि आप उसको कुछ ना कुछ उठा के दे देते हैं, उनसे उनको बढ़ावा मिलता है, उनको बस बढ़ावा मिल जाता है उनको। जिस तरह से आंकड़े भी रख दिए हैं चांदनी अंसारी ने, आंकड़े रखे हैं कि 2 अगर असली हैं तो 10 जो है नकली हैं, ऐसे में और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे। आपने कहा कि कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं जब आप रोजी रोजगार के लिए घर से निकलते हैं, तो जानना चाहेंगे ऑन कैमरा कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किस तरह से लोगों का सामना होता है आपसे? लोगों की नज़र जो देखते हैं हम लोग को अलग तरीके से देखते हैं, थोड़ा गिल्टी फील होता है कि हम जब काम धंधे पे हमारे रोजी रोटी पे निकलते तो जो लोग नज़र से देखते छेड़ते वो चीज़ से ज़रा तकलीफ़ होती है। तो जैसे हम लोग को, जैसे हम हर इंसान की तरह हम भी नॉर्मल है, हमको भी रिस्पेक्ट दे, हमको भी नॉर्मल तरीके से देखे लोग, हमको भी अपना समझे, हम वही चाहते हैं और वही चीज़ के लिए हम लड़ते आ रहे हैं आज तक। किस तरह से लड़ाई आगे जारी रहेगी? हम कानून को बोले हैं, हर एक मंत्री हर एक मंत्रालय तक हम पहुँचे, हर चीज़ को हमने आगे बढ़ाए, और हमारे जो मेन गुरु है हर एक चीज़ इस बात पे बात निकाले है, आगे बढ़ाया, अभी आगे देख सकते कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या हेल्प कर सकती है। जिस तरह से अगर बात की जाए आपसे जानेंगे कि जैसे यहाँ पर लोगों ने बताई क्या क्या समस्याएं होती हैं, मूलभूत सुविधाओं में तो घर होता है, जो है मेडिकल की सुविधा होती है, इसके अलावा क्या दिक्कतें होती हैं समाज में? इसके अलावा दिक्कत बहुत कुछ आती हैं, तो जल्दी ऑटो वाले रुकते नहीं कि पैसे देंगे कि नहीं, भाग जाएंगे, नकली को बैठा लेते, असली को छोड़ देते वो लोग, नकली को पैसे दे देंगे असली को नहीं देंगे, कहाँ से आई हो क्या है, बहुत सारी बातें हैं जनता करती है, उस पर सरकार ध्यान दे, नकली को निकाल बाहर करे, असली को अपने अपने जगह पे ठिकाने लगा दे, सरकार से ये अपील है हमारी, और कोई अपील नहीं है, घर चाहिए, दार चाहिए। एक कदम बढ़ाया है प्रशासन ने, तो अब 100 कदम भी बढ़ेगा, एक कदम आगे बढ़ाए हैं, फिर उसके आगे भी बनाएंगे, दवा खाना हुआ, ट्रेन में प्रॉब्लम होती है, चढ़ नहीं पाते हैं, इतनी गर्दी रहती है, लाइन लगानी पड़ती है, किन्नरों का रहेगा तो अच्छे से आराम से अपना चढ़ सकते, आ सकते, जा सकते, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये शौचालय की बात हो रही है, आपने बोला क्या क्या मूल आपको तकलीफ होती है, जब हम लेडीज़ शौचालय में घुसते हैं तो लेडीज़ हमको देख के पहले सब चौंक जाती है, अरे इनका शौचालय ये शायद कहीं आदमी भी तो नहीं जाते हैं, ये लेडीज़ में आ गए, कभी जल्दबाजी में हम जेंट्स में चले गए तो वो परेशान हो जाते हैं कि अरे ये जेंट्स में कैसे चले आए, ये लेडीज़ में क्यों नहीं गए, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो मलार की नगर सेविका जी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है, उन्होंने इस तकलीफ़ को महसूस किया होगा। इंटो 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि अगर ये विशेष शौचालय बनाया जाता है, मान लीजिए किसी पुरुष को अटेंडम में इमरजेंसी में किसी प्रकार के शौचालय जाने हुआ तो क्या उनको राहत मिलेगी? सर बहुत अलग क्वेश्चन है, हाँ हम अगर वहाँ नहीं हैं तो उसको लेडीज़ भी यूज़ करें जेंट्स भी यूज़ करें उससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अगर वहाँ किन्नर अवेलेबल है तो फिर वो किन्नर ही जाए, किन्नर ही यूज़ करे, उसको फिर जेंट्स और लेडीज़ ना यूज़ करें प्लीज़। तमिलनाडु गवर्नमेंट आके बहुत हेल्प किया हमारे ट्रांसजेंडरों के लिए, बट बॉम्बे में आज तक हमारे लिए कुछ आगे नहीं बढ़ाया गया है, हमारे कमेटी पे ज़रा ध्यान नहीं दिया गया है, तो मैं ये रिस्पेक्ट चाहती हूँ कि यहाँ पे भी हमको वही सुविधा मिले, क्योंकि तमिलनाडु में आके पर्सनल क्या बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया ट्रांसजेंडरों के लिए, जहाँ के वहाँ के ट्रांसजेंडर है तो आईडी कार्ड वहाँ के लिए, उन लोगों के लिए सबको सुविधा दिए, जो वहाँ के किन्नर है वहाँ को एक आईडी कार्ड है उनके लिए पर्सनल, ठीक है, और वहाँ के जो मेन गवर्नमेंट है उनको जॉब भी दिया गया है कि जॉब कर सकते हो आप, हर चीज़ का सुविधा दिया गया है, आप यहाँ पे सिग्नल पे नहीं मांगो, ट्रेन पे नहीं मांगो, तुम्हारे लिए हम जॉब अवेलेबल रखे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए ऐसा कुछ सुविधा नहीं है। हाँ यही देख के तमिलनाडु के किन्नर लोग बहुत खुश है और बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, और वही मैं चाहती हूँ कि हमारे बॉम्बे में मुंबई में भी यही सुविधा हो महाराष्ट्र में। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, और उसी मुंबई में ये तृतीयपंथी समाज के लोग रहते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, लगातार मांग करते हैं, मंत्रालय तक जाते हैं, लेकिन
वजह क्या है कि अब तक इनकी जो समस्याएं हैं उस पर जो है किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन ने तृतीयपंथी समाज के लोगों के ऊपर ध्यान दिया है और अब बीएमसी ने जो कदम उठाया है कि तृतीयपंथी समाज के लिए विशेष शौचालय बनाए जाएंगे ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि आप जब सुलभ शौचालय में जाते हैं तो वहाँ पर महिलाओं के लिए तो होता है, पुरुषों के लिए होता है, दिव्यांग के लिए होता है, लेकिन तृतीयपंथी समाज के लिए शौचालय नहीं था, जिसको लेकर अब बीएमसी ने ये फैसला किया है कि तृतीयपंथी समाज के लिए विशेष शौचालय बनाया जाएगा। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।